ये तो हर बात को बढ़ा देती है। वाह भाई वाह, सारे इल्जाम मुझ पर। आप सारी तो नेक परवीन है ना जैसे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? आपको क्या लगता है मेरा कोई घर नहीं? मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। छोड़ो उसे, बात बात पे घर छोड़ के जाने की बात नहीं करते हैं। यासिर, मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी जहाँ बात बात पे इस बात के ताने मिले कि ये घर मेरा नहीं है। या मैं सबने मैं किसे नहीं लाई? किसने कहा है तुमसे ये? आपके सारे घर वालों की ना गज भर की जुबान है, खास तौर पे आपकी फूफो की। मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन प्लीज तुम हर बात पे घर छोड़ने की बात मत किया करो। नहीं रह सकता मैं। यासिर, मैं नहीं रुक सकती। अगर मैं रुक गई ना तो आपकी फूफो को बातें करने का मौका मिल जाएगा कि मैं सिर्फ बातें ही करती हूँ, कुछ करके नहीं दिखाती। तुम्हें उनसे मतलब क्या है? तुम्हें उनके साथ जिंदगी गुजारनी है, मेरे साथ? आप तो सारा दिन ऑफिस होते हैं ना, वो लोग मेरे सर पे सवार रहती हैं। क्या करूं, वो फुफुएं, वो मेरी फुफुएं तो कहीं भी जाके रहे ना, अपनी बदजुबान बेटी को लेके यहाँ क्यों बैठी हुई है? कहाँ जाएंगी वो? दादा का घर इसमें तीनों बच्चों का बराबर का हिस्सा है। तो उनका हिस्सा देके फारिग करेंगे, मेरा मसला नहीं है। तुम्हारी सुई एक ही बात पे आके क्यों अड़ गई है? अब वो हमें कहीं नहीं भेजेंगे, इस घर से नहीं जाने देंगे हमें। नहीं जाने देंगे? कोई मसला है ही नहीं यासिर, वो नहीं जाने देंगे तो मैं खुद जा सकती हूँ। अलिशबा, अलिशबा प्लीज छोड़, प्लीज डोंट डू दिस। यासिर पीछे हट। अलिशबा प्लीज डोंट डू दिस। अलिशबा तुम ऐसे, अलिशबा प्लीज मेरी बात, अलिशबा मेरी बात तो सुनो। अलिशबा मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। मेरी अम्मी से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। संजय तुम इस वक्त खामोश रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यासिर बात को मत बढ़ाओ, ये तो छोटी छोटी बात पकड़ के बैठ जाती है, समझाते क्यों नहीं उसे? आप इसे क्यों समझाऊं मैं? उन्हें समझाए ना, हर वक्त ताने देती रहती है। छोड़ दे पीछे अलिशबा का। कोई से ताने नहीं देता, ये तो हर बात को बढ़ा देती है। वाह भाई वाह, सारे इल्जाम मुझ पर। आप सारी तो नेक परवीन है ना जैसे। अच्छा बताओ ऐसा हमने क्या कह दिया तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि यासिर को ऑफिस से बुला लिया? अरे मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही तरबियत दी है तुम्हें कि बड़ों से इस तरह बात करो? देखा आपने, मेरे माँ बाप तक पहुँच रही है और आप खामोशी से सुन रहे हैं। अब तो मैं यहाँ एक मिनट नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। आपको रुकना है ना तो आप रुके। रुको अलिशबा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यासिर, यासिर मेरी बात सुनो। यासिर